हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका सनत इज माइन ट्यूटोरियल्स पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और गवर्नमेंट लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया हुआ है आपका बैंक नोट मुद्रालय दिवास बीएनपी दिवास। ओके, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। डिटेल में जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बीई, बीटेक, बीएससी कोई भी ग्रेजुएट आप लोग हैं या फिर आप आईटीआई कर चुके हैं आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में सभी चीज समझते हैं। यहाँ पे कैरियर्स पर आप लोग क्लिक कर देंगे और कैरियर्स पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश्ड ऑन May 12, 2021 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट बैंक नोट प्रेस दिवस। ओके, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे और ये आपका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होके आ चुका है। तो हम लोग डिटेल में जानते हैं। ये देखिए बैंक नोट प्रेस दिवस MP wholly owned by Government of India, okay, मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी। तो ये देखिए आपका जो पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर पहला पोस्ट है। इसके लिए जो सैलरी आप देख सकते हैं 29,740 से लेकर 1,03,000। और ये देखिए A2 ग्रेड का जॉब है और अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर्स का है। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, एक पोस्ट है जनरल के लिए। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री और सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के लिए सैलरी आप देख सकते हैं 27,600 से लेकर 95,900 तक का है। और 30 साल का आपका अपर एज लिमिट है। एक एक पोस्ट दोनों में है। चौथा पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,540 से लेकर 77,160। 28 ईयर्स का आपका एज लिमिट है। 15 है नंबर ऑफ पोस्ट। ये पोस्ट में कुछ खासियत है, आपको पता चलेगा, एक सरप्राइज है, नीचे हम लोग बात करेंगे कुछ देर बाद। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी सभी के लिए सैलरी 18,780 से लेकर 67,390 तक का है। 25 साल आपका अपर एज लिमिट है मैक्सिमम। और यहाँ पे देखिए 60 पोस्ट पहले में है, आप देख सकते हैं 23 पोस्ट यहाँ पे है और 15 पोस्ट। तो टोटल आपका कुल मिलाकर 131 पोस्ट है जिसमें 67 आपका अनरिजर्व के लिए है। ये वैकेंसी जो था वो बीएनपी दिवास में निकला गया है। और यहाँ पे देखिए जो वैकेंसीज है ये आपका निकला हुआ है गवर्नमेंट मिंट नोएडा में। ओके, ये भी एक यूनिट है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट 23,910 से लेकर 85,570 और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 21,540 से लेकर 77,160। 28 ईयर्स का है। 4 पोस्ट है। अगर आप ये पोस्ट कोड 9, पोस्ट कोड 10 और पोस्ट कोड 4 देख सकते हैं, इसके लिए आप लोग एप्लीकेबल हो तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपके लिए नीचे है दोस्तों। आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, थोड़ी देर में बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 12 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 11 जून तक चलेगा। और जो आपका एग्जामिनेशन होना है वो जुलाई अगस्त के महीने में होगा। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपको डिग्री चाहिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस में और नॉलेज होना चाहिए हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए आपको फुल क्लास डिप्लोमा चाहिए। फुल क्लास मतलब 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर आईटी के लिए देखिए फुल क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चाहिए या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर में। हायर क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, बीएससी अगर आपके पास है CSIT वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं कोई भी डिसिप्लिन से 55% मार्क्स आपका है और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है। टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट का और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए आपको देखिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग वगैरह में आपको चाहिए ITI सर्टिफिकेट और उसके साथ 1 साल का NSC सर्टिफिकेट। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में देख सकते हैं फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग के ट्रेड में। तो ट्रेड आप यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसके साथ 1 साल का NSC सर्टिफिकेट NCBT के से होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल IT में आपका जो ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और 1 साल का NSC सर्टिफिकेट NCBT में होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और एसी में वही सेम चीज है, ITI सर्टिफिकेट फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल में होना चाहिए 1 साल का NSC सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा में अप्लाई करते हैं तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश आना चाहिए आपको। हिंदी में और इंग्लिश में अगर आप स्टेनोग्राफी देते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए और टाइपिंग में इंग्लिश हिंदी 40 वर्ड्स पर मिनट। डिजायरेबल मांगा गया है, ये जरूरत नहीं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 55% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके, अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो लेकिन आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे अच्छा पोस्ट आपके लिए जो है देखकर आप लोग उसे अप्लाई कर दीजिए। ओके, एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे पहले अच्छे से आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ओके, पोस्ट कोड 1 से लेकर पोस्ट कोड 8 तक जो भी पोस्ट है वो आपका बैंक नोट प्रेस देवास में निकला हुआ है, और 9 और 10 आपका गवर्नमेंट मिट नोएडा में निकला हुआ है। अगर आप नोएडा में पोस्टिंग आपको मिलता है तो ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। जो एज का क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम एज 18 साल, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 11 जून तक का आपका होना चाहिए, और अपर एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन किसको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस देखिए 600 रुपीज का है अगर आप यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 200 रुपीज का अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फीस आपको ऑनलाइन देना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से। सिलेक्शन होने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 1 साल का। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो एग्जामिनेशन आपका होगा ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जो पोस्ट कोड 1 से लेकर पोस्ट कोड 3 तक आप जो पहले आप देखे थे उसके लिए सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज ज्यादा होगा। 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, बाकी सब 40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 200 क्वेश्चन 240 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके बाद जो पोस्ट आपका है देखिए पोस्ट कोड 4 से लेकर 10 तक, उसके अंदर आपका आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो मैंने आपको बताया था एक सरप्राइज आपके लिए है। क्या सरप्राइज है? टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपका टायर 1 में होगा दोस्तों, बल्कि हमेशा ये टायर 2 में किया जाता है लेकिन ये टायर 1 में होगा। पहले आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है जो कि 10 मिनट का होगा, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके, और इसका जो लैंग्वेज है वो आपको अभी एप्लीकेशन फिल करते समय ही सही चूज करना है दोस्तों, यहाँ पे गलत मत करना, केयरफुली फिल करना आपका जो भी लैंग्वेज है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड राउंड में पहुंचेंगे टायर 2 में, जहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें आपका जीए, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट आएगा, जो कि सभी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये जनरल आपका एसएससी का सिलेबस ही रहेगा दोस्तों। अब देखिए जो पोस्ट कोड 5 से लेकर पोस्ट कोड 8 तक का जो पोस्ट है वहां पे आपका जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट रहेगा, टोटल 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स 2 घंटे का। तो इसमें कुछ लफड़ा नहीं है, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। पोस्ट कोड 9 जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, यहाँ पे आपको जो स्टेनोग्राफी टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है वो आपको पहले होगा, यही सरप्राइज है दोस्तों। 10 मिनट का होगा, इंग्लिश और हिंदी, आपको चूज करना है लैंग्वेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय। स्पीड आपका 80 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा ट्रांसक्रिप्शन का, जो कि स्टेनोग्राफी के लिए, और टाइपिंग के लिए स्पीड आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट। तो यही उसका सरप्राइज है दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था। ऑनलाइन टेस्ट में नॉर्मल रहेगा जीए, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। ओके, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स 2 घंटे का। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, तो सिलेक्शन आपका प्योरली मेरिट बेसिस पर होगा दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मार्क्स लेके आइए और सिलेक्शन पाइए, और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आना है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55%, ओबीसी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट या फिर जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आप देख सकते हैं भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलुरु। तो जो भी आपके नजदीक है वहां पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन भरते समय आपको एक ही एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कोई भी चेंज इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से केयरफुली पढ़कर एप्लीकेशन भरिए दोस्तों। अब देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले ये जान लीजिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके पास ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो इसमें क्या क्या करना है, जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक इंक से करना है, व्हाइट पेपर पर करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है दोस्तों। LTI जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है व्हाइट पेपर में ब्लैक और ब्लू इंक से देना है, और डिक्लेरेशन जो आपको लिखना है वो भी व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक के साथ लिखना है, कैपिटल लेटर नहीं, रनिंग हैंड में लिखना है। डिक्लेरेशन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका डिक्लेरेशन है। अब जान लीजिए जो गाइडलाइंस है फोटोग्राफ ये सब अपलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ आपका लाइट कलर का बैकग्राउंड में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, रिसेंट 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, कलर पिक्चर 200x230 पिक्सल्स 20 kb से 50 kb इसका डायमेंशन है। अब देखिए जो सिग्नेचर है वो आपका 140x60 पिक्सल्स का होना चाहिए, 10 से 20 केबी का साइज होना चाहिए। और LTI जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन 240x240 पिक्सल्स 20 to 50 केबी, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 800x400 पिक्सल्स 50 केबी to 100 केबी, सभी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए ये कैरियर का पेज है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पेज पर आप लोग डायरेक्टली आ जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोग नोटिफिकेशन का PDF भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसका लिंक उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा। देखिए पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, सही सही भरना है जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर ये आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड देकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर डिटेल्स, मतलब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आपका देना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है, फिर प्रीव्यू पे चेक कर लेना है और अपलोड सारे कर देना है। फिर लास्ट में पेमेंट करके आपको एप्लीकेशन फिल कर देना है। दोस्तों तो ये था दोस्तों पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त आपके एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए ढूंढते रहते हैं इधर उधर तो उनको हेल्प हो जाएगा। अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल हैं आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे जल्द और सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।